बजट चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था टाइप्स ऑफ बजट में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से बजट के अपन ने दो टाइप पढ़े थे। एक पढ़ा था अपन ने फ्लेक्सिबल बजट और दूसरी बात हुई थी अपनी फिक्स बजट की। ठीक है, तो अपन ने ये सीख लिए थे। और अब जो हमें बात करनी है वो है फंक्शन के आधार पर बजट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर फंक्शनल तरीके से देखें, मतलब फंक्शंस को ध्यान में रख के देखें, तो एक तो होता है फंक्शनल बजट। ठीक है, फंक्शनल बजट, और दूसरा होता है मास्टर बजट। ठीक है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इनका मीनिंग क्या होना चाहिए। फंक्शनल बजट मतलब अ बजट प्रिपेयर्ड फॉर या फिर वेयर अ सेपरेट बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जब किसी फंक्शन के लिए सेपरेट बजट बनाया जाता है तो वो फंक्शनल बजट होता है। जैसे कि सेल्स एक फंक्शन है, आपने केवल सेल्स बजट बना दिया, परचेज के लिए अलग से बजट बना दिया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए आपने बजट बना दिया, प्लांट यूटिलाइजेशन के लिए आपने अलग से बजट बना दिया, या आपने वेजेस बजट बना दिया, पर्सनल बजट भी जिसे आप बोल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप बजट बनाते हैं तो वो हो जाता है फंक्शनल बजट, है ना। अब मास्टर बजट क्या होता है, तो नाम से ऐसा लगता है कि अपन बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ या कंबाइंड बोल सकते हैं अपन ऑफ वेरियस, या इनफैक्ट कहना चाहिए ऑल, वेरियस की जगह मैं ऑल लिख देता हूँ। ठीक है, ऑफ ऑल फंक्शनल बजट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल फंक्शंस बजट। ठीक है, तो ये इसका मतलब ऐसा हो गया सही मायने में कि जब सारे फंक्शनल बजट बन जाते हैं ना, तो उन सारे फंक्शनल बजट को मिलाकर एक समरी काइंड ऑफ बनाते हैं अपन। ठीक है, और एक फाइनली हम क्या करते हैं, एक समराइज्ड पीएनएल, बजटेड पीएनएल बना देते हैं एंड समराइज्ड बैलेंस शीट बना देते हैं। तो ऐसा समझ लो कि अपन ने हर फंक्शन का अलग अलग बजट बना लिया, और फाइनली जब अपन समराइज करते हैं पूरे बजट की समरी को, इकट्ठा रखते हैं सारे बजट को मिलाकर एक साथ बना देते हैं, तो उसे अपन बोल देते हैं मास्टर बजट। तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी फंक्शनल बजट या फंक्शंस बजट लिखा है, फंक्शनल बजट हो जाएगा ये, है ना। और सिंपल शब्दों में देखा जाए तो सारे बजट्स को मिलाकर एक बजटेड पीएनएल और बैलेंस शीट बना दो, जिसे हम मास्टर बजट बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हमें सीखना है फंक्शनल बजट बनाना। ठीक है, और फिर हम देख लेंगे मास्टर बजट, बहुत आसान है जो कि, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से, अपन करते हैं फंक्शनल बजट से स्टार्ट। अब बताओ सबसे पहले कौन से फंक्शन का बजट बनना चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में प्रोडक्शन करना डिफिकल्ट नहीं है, आज के ज़माने में डिफिकल्ट क्या है, बेचना, सेल। तो कभी एक ज़माना हुआ करता था जब क्या होता था कि वर्कर ना मिलना या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती थी, समझ रहे हैं, दुनिया भर की मशीन इक्विपमेंट की कमियाँ होना या दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज की कमियाँ होना। आज उल्टा हो गया है, आज सेल करने में प्रॉब्लम होती, प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए अब ऐसा हो गया कि यार जब भी आपको कुछ कुछ भी बनाने का मन करे ना कि यार हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, तो पहले ये जान लो कि बिकने वाला कितना है। अब पता चला आपने बिना सोचे समझे 50,000 यूनिट बना लिए और बिकाई भी नहीं, या 10,000 ही बिके या 30,000 ही बिके, तो पहले अंदाज लगाओ कि सेल कितनी होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले अपन कौन सा बजट बनाते हैं, सेल्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहला बजट होगा हमारा सेल्स बजट। ठीक है, अपन सीखने वाले हैं हर एक फंक्शन का अलग से बजट बनाना। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, आपको हंसी आएगी कि यार ये कोई बात हुई क्या। देखना, सेल्स बजट, सपोज अपन बजट बनाते हैं क्वार्टर वाइज, तो अपन ने यहाँ लिख दिया Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट बनाया क्वार्टर वाइज कि कितने कितने यूनिट हमें हर एक क्वार्टर में सेल करना है। तो क्वार्टर वन में सपोज हमने सोचा 10,000 यूनिट बेचना है, क्वार्टर टू में हमने सोचा 15,000 यूनिट बेचेंगे, क्वार्टर थ्री में 20,000 और क्वार्टर फोर में 25,000, है ना, कुछ भी मन से लिख रहा हूँ मैं, है ना।
और किस प्राइस पर बेचेंगे, सेलिंग प्राइस, सब कुछ अपन ने 10 रुपये रख ली, तो सब जगह 10 रुपये से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10,000 × 10 कितना आएगा, ओब्वियसली 1 लाख आएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1.5 लाख, यहाँ आ जाएगा 2 लाख, यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है। और आपको पता है आपका सेल्स बजट खत्म हो चुका है। हाँ, तो वैसे भी यार और क्या होगा, आपको क्या लगता है कुछ जादू होने वाला है? सेल्स बजट मतलब कितना सेल करने वाले हैं हम कमिंग पीरियड में, उसका प्लान बनाना ही सेल्स बजट है ना। तो आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें तो, है ना। और ऐसा बजट एग्जाम में आया हुआ है जब आपको सेल्स क्वांटिटी और सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करके उनको बताना था। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेल्स बजट बना लिया, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया कि कितनी कितनी यूनिट हमें बेचनी है और क्या सेल प्राइस रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू भी हमने निकाल ली है। तो यहाँ लिख देता हूँ सेल्स वैल्यू, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, अगला बजट कौन सा बनाऊँ? तो अगले बजट का नाम है भाई प्रोडक्शन बजट, ठीक है। क्यों सर, प्रोडक्शन बजट कहाँ से आ गया? भाई जितना आपको सेल करना है उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्या बोलते हो? जितना सेल करना है उसी हिसाब से प्रोडक्शन करोगे ना, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ Q1, क्वार्टर तो आप समझते ही होंगे ना, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। और सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो जो यूनिट्स हमने डिसाइड की थी हम सबसे पहले वो लिखेंगे, कितनी यूनिट बेचना है। सर क्यों लिखेंगे? अरे भाई कितना बनाना है, सपोज मैं कहूँगी यार 10,000 यूनिट बेचना है, तो ऑब्वियसली 10,000 बनानी पड़ेंगी यार, है ना। तो सबसे पहले तो ये जानो कि बनानी बेचनी कितनी है, उतनी बनानी पड़ेगी। तो Q1 में आपको 10,000 बेचनी है ना, तो 10,000 बनाओ ना भाई। तो यहाँ आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 15,000, यहाँ आ जाएगा 20,000 और यहाँ आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो इतनी इतनी यूनिट हमें बेचनी है, तो इतनी तो प्रोड्यूस करनी ही पड़ेंगी, बनानी ही पड़ेंगी, ध्यान से। अब प्लस क्लोजिंग स्टॉक, अब क्या होता है, जितना हमें बेचना होता है नॉर्मली हम उतना नहीं बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कल के दिन ज़्यादा सेल हो गई या ज़्यादा डिमांड हो गई तो कम से कम अपन, ऐसा तो नहीं कि पता चला माल खत्म ही हो गया, कस्टमर खाली हाथ जा रहा है, तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं, मतलब हम अपने प्लानिंग में ही क्लोजिंग स्टॉक बनाकर चलते हैं कि यार हमें इतना मान लो 10,000 यूनिट बेचना है, तो एक काम करते 12,000 बना लेंगे ताकि 2,000 बच जाएगा, तो नेक्स्ट पीरियड में पहले दिन से हम चाहेंगे तो बेचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माल रखा हुआ है ना। सर नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 0 हो जाएगा, पर जो समझदार लोग होते हैं वो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर चलते हैं, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक भी प्लान करके चलते हैं, ठीक है। तो भाई एक काम करते हैं, सपोज हमने प्लान किया कि यार हम ना 2,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बचाएंगे Q1 में, तो मतलब देखना 10,000 क्यों बनाना है, क्योंकि बेचना है, 2,000 क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा कर रखना है। तो आप बताओ टोटल टोटल आपको कितने बनाने पड़ेंगे, ओब्वियसली यार 12,000, क्या बोलते हो, है ना। ऐसी मान लो मैं यहाँ बोल दूँ 3,000 आपको Q2 में बचाना है, 4,000 Q3 में और 5,000 Q4 में, ठीक है। तो अब बताइए कितना कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 18,000, 18,000 आपको बनाने पड़ेंगे, क्यों, 15,000 बेचना है और 3,000 बचा कर रखना है, तो 18,000 तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 24,000, यहाँ पर 30,000, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्यों ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, क्योंकि भाई जैसे पहले क्वार्टर की बात करूँ तो मुझे 10,000 बेचना है तो 10,000 तो बनाना पड़ेगा, और 2,000 क्लोजिंग स्टॉक में बचा कर रखना है, तो मतलब कुल मिलाकर 12,000 बनानी पड़ेंगे, उसमें से 10,000 बिक जाएंगे, 2,000 बच जाएंगे, ठीक बात है। तो फिर ऐसे केस में अब क्या होगा, हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा भाई, ओपनिंग स्टॉक मान लो हम मन से ले लेते हैं कुछ तो भी, और मन से लिया हमने सपोज 1,000, ठीक बात है। तो अब बताना आप 12,000 बनाने थे, पर देखा और अपने उससे पूछा यार कि जो भी अदर एम्प्लॉई से कि यार गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, बोले 1,000 ऑलरेडी रखा है, तो ऐसे तो मैं 12,000 बनाने वाला था फिनिश गुड, पर 1,000 ऑलरेडी अपने वेयर हाउस में रखे हैं, तो बताओ केवल मुझे कितने बनाने चाहिए, केवल और केवल 11,000 मुझे बनाने चाहिए, क्या बोलते हो? फिर से बोल देता हूँ एक बार इसी बात को, 10,000 बेचने हैं इसलिए बनाने पड़ेंगे, 2,000 बचा कर रखने तो ये भी बनाने पड़ेंगे, तो टोटल कितने बनाने हैं 12,000, पर ऑलरेडी 1,000 रखा हुआ है, तो हकीकत में कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा 11,000, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या,
यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे बनता है आपका प्रोडक्शन बजट, और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, आगे देखना आप। अब क्या होगा यहाँ, क्वार्टर टू का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? ऑब्वियसली क्वार्टर वन का ही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्वार्टर टू का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो 2000 यहाँ आ जाएगा। ऐसी क्वार्टर टू का जो क्लोजिंग है वो क्वार्टर थ्री का ओपनिंग बन जाएगा, क्या बोलते हो? और क्वार्टर थ्री का जो क्लोजिंग है वो क्वार्टर फोर का ओपनिंग बन जाएगा, कितना? 4000। समझ गए आप बात को भाई? इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का क्या होता है? ओपनिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे एक बार और बता देता हूँ, फिर तो आप समझ ही जाएंगे। 15000 बेचना है क्वार्टर टू में, ठीक है, और 3000 बचाना है, तो बताओ बनाने कितने पड़ेंगे? 18000, पर 2000 तो पिछले क्वार्टर के ऑलरेडी पड़े होंगे, तो केवल कितना बनाना पड़ेगा हमें? 16000। ठीक बात है। एंड सिमिलरली क्वार्टर थ्री में कितना आ जाएगा? 24000 माइनस 3000, 21000। और क्वार्टर फोर में 30000 माइनस 4000, ये आ जाएगा 26000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले हमने प्लान बनाया कि बेचना कितना है, उसी अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें प्रोड्यूस कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है। अब कौन सा बजट बनाएं भाई, आप बताइए। अब हम बनाएंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। ठीक है, अपन कौन सा कलर ले लें? ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, मतलब कितना कंजम्पशन होगा इतना प्रोडक्शन करने में। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कैसे? चलिए देखिए, बहुत आसान है, पूरा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ठीक है, अब देखते जाना आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। कितने यूनिट हमें बनाने हैं भाई? रॉ मटेरियल कितना लगेगा आप बताओ, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा? ऑब्वियसली जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, जितना कम बनाओगे उतना कम कंजम्पशन होगा। तो मतलब रॉ मटेरियल का कंजम्पशन काई पर डिपेंड करता है? इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जाने हैं, कितने यूनिट बनाए जाने हैं। ठीक है, तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड हमने इसके पिछले वाले बजट में निकाल लिए थे, कितने आए थे वो? 11000, 16000, 21000 और 26000। ठीक बात है, ओके। अब देखना, इनटू सपोज हमें एक फिनिश गुड को बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया इनटू 2 kg। ठीक है, सपोज मुझे एक फिनिश गुड बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो अब देख लो आप 11000 बनाने में कितना लगेगा, कितना रॉ मटेरियल हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इनटू 2 सब जगह हो जाएगा वो, तो है ना, इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2, तो 11000 इनटू 2 कितना हो जाएगा? 22000 kg माल कंज्यूम करना पड़ेगा, क्या बोलते हो? और यहाँ पर 16000 इनटू 2 कितना हो जाएगा? 32000 kg, और यहाँ पर हो जाएगा 42000 kg, और यहाँ पर हो जाएगा 52000 kg। इतना हमें कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आया कि कंजम्पशन कैसे प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा रॉ मटेरियल का, कम प्रोडक्शन तो कम कंजम्पशन होगा रॉ मटेरियल का, है ना? ठीक है, और अब बनेगा हमारा रॉ मटेरियल परचेज बजट, जिसे हम बनाएंगे कौन से कलर से? ग्रीन कलर से। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेस बजट, आपको इसी सीक्वेंस में ऑलमोस्ट बजट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं है। हालांकि जब क्वेश्चन आते तो उनमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, हम समझ नहीं पाते कब वो क्या बोलना चाहते हैं, इसलिए गड़बड़ होगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो देखो अब रॉ मटेरियल परचेस बजट, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सोचना, कितना माल परचेस करेंगे किस बात पर डिपेंड करता है? कितना माल आपको खरीदना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल आपको खरीदना चाहिए? सिंपल है सर, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना रॉ मटेरियल हमें जरूरत है, मतलब कितना रॉ मटेरियल हमें कंज्यूम करना है। अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम करना होगा तो ज़्यादा परचेस करना पड़ेगा, कम कंज्यूम करना होगा तो कम परचेस करेंगे, है ना? ऐसा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इसके जस्ट पहले रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाया था, है ना? तो रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर। ठीक है, अभी देखो क्या करते हैं अपन। क्वार्टर वन में कितना कंज्यूम करना है? सॉरी, 22000 kg कंज्यूम करना है। ठीक है, 22000 kg कंज्यूम करना है। क्वार्टर टू में 32000 kg कंज्यूम करना है।
क्वार्टर थ्री में 42,000 केजी कंज्यूम करना है एंड क्वार्टर फोर में 52,000 केजी हमें कंज्यूम करना है, ठीक है। इन टू नहीं करना है भाई, इतना इतना तो हमें कंज्यूम करना है। आप बताओ, जैसे क्वार्टर वन की बात करता हूँ, अगर आपको 22,000 केजी माल कंज्यूम करना है तो खरीदना पड़ेगा ना यार, 22,000 केजी कहाँ से आएगा। ऐसी क्वार्टर टू में कितना, 32,000 केजी कंज्यूम करना है तो खरीदूँ, खरीदना पड़ेगा ना, ठीक है साहब। तो जितना कंज्यूम करना है उतना तो खरीदना ही पड़ेगा नॉर्मली, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों सर, ये कहाँ से आ गया बेटा? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमें 22,000 केजी माल कंज्यूम करना है तो हम उतना ही खरीदें। हर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा तो खरीद के रखता ही है ना, कि मान लो हमें ज़्यादा लग गया तो, या फिर नेक्स्ट पीरियड में नहीं मिला तो थोड़ा सा तो नीड से एक्स्ट्रा हम रख ही लेते हैं, बुला ही लेते हैं। आप खुद ही सोचो, आप अपने घर से जब मम्मी पापा से पैसे बुलाते हो तो आपको ज़रूरत होती है 10,000 रुपये की सपोज एक महीने में, तो आप 12,000 तो बुला ही लेते हो ना, फिर भले ही वो बच जाए या कभी कभी खर्च भी हो जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो अपन रखते ही है। तो मान लीजिए क्वार्टर वन में हमें 22,000 केजी जो माल है वो कंज्यूम करना है, और सपोज हमने सोचा कि यार हम 2,000 केजी माल जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में भी रखेंगे, वो क्वार्टर टू में ओपनिंग बन जाएगा हमारे लिए, लेकिन हम 2,000 तो केजी तो एक्स्ट्रा हम बुलाएंगे। तो देखना, 22,000 केजी तो इसलिए खरीदना पड़ेगा क्योंकि इतनी की तो ज़रूरत ही है हमें, इतना तो कंज्यूम करना है, और 2,000 केजी हम इसलिए खरीदेंगे क्योंकि हमें वो बचा कर रखना है, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड के लिए। ऐसी क्वार्टर टू में मान लेते हैं अपन यहाँ 3,000 केजी, क्वार्टर फोर में मान लेते हैं 4,000, सॉरी क्वार्टर थ्री मान लेते हैं 4,000 केजी, क्वार्टर फोर में मान लेते हैं अपन कितना मान लें आप बताओ, 5,000 केजी, जो आपके मन में आए, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तो, है ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 24,000 केजी हमें खरीदना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 22,000 केजी कंज्यूम करना है और 2,000 केजी बचा कर रखना है, तो 24,000 केजी खरीदो, उसमें से 22,000 कंज्यूम हो जाएगा, 2,000 बच जाएगा। एंड सिमिलरली क्वार्टर टू में कितना हो जाएगा, 35,000 केजी, क्वार्टर थ्री में 46,000 केजी एंड क्वार्टर फोर में 57,000 केजी, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो, ऑलरेडी कुछ रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हो, तो देखना, मान लो 24,000 केजी जो है वो आपको खरीदना है, वो आप खरीदने वाले थे, पर आपको खबर मिली कि आपके पास ऑलरेडी 1,000 केजी माल पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे बताओ? आप केवल और केवल बचा हुआ माल ही खरीदोगे, मतलब आप केवल 23,000 केजी माल ही खरीदोगे, क्योंकि आपको 24,000 केजी टोटल चाहिए था बेचने, मतलब कंजम्पशन के लिए और अलग से रखने के लिए, सब मिलाकर 24,000 केजी चाहिए था, 1,000 केजी रखा है, तो 23,000 केजी आप क्या करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। जैसे आप नहीं करते, जैसे मान लो आपको घर से पैसे बुलवाने, मान लो आपकी ज़रूरत है 10,000, आपने सोचा कि यार 2,000 और एक्स्ट्रा रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हो गए 12,000। अब मान लो आपको लगा कि यार 5,000 तो ऑलरेडी रखे, तो 7,000 और बुला लो, है ना, वो अलग बात है कि आप ऐसा नहीं करते, मज़े में रहते हैं थोड़ा सा आप, है ना। खैर, तो ये आ गया 23,000 केजी। अब क्वार्टर टू की बात करें, 35,000 केजी तो क्या है, आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 32,000 केजी कंजम्पशन करना है और 3,000 केजी बचा कर भी रखना है, तो 35,000 केजी खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2,000 केजी तो पिछले क्वार्टर का जो क्लोजिंग था वो इस बार ओपनिंग बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000 केजी, क्या बोलते हो आप? और क्वार्टर टू का क्लोजिंग क्वार्टर थ्री के लिए ओपनिंग बन जाएगा, और क्वार्टर थ्री का जो क्लोजिंग है वो क्वार्टर फोर के लिए ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है ना सर। ये बजट ना ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहले पढ़ा है, हाँ ये प्रोडक्शन बजट जैसा है, देखो प्रोडक्शन बजट और इसका फॉर्मेट एक जैसा है, पर आपको फॉर्मेट नहीं रटना है, थोड़ा सा लॉजिक समझते हुए चलना है कि ये हो क्या रहा है ना, एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखना, यहाँ आ जाएगा 35,000 केजी में से 2,000 केजी गया, कितना बचेगा, 33,000 केजी हो जाएगा, है ना, 33,000 केजी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 46 में से आपका 3,000 जाएगा, तो 43 केजी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 53,000 केजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, परचेस बजट। ऐसे और भी बजट बनते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल वेजेस बजट हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट बजट हो सकता है, कुछ भी बजट नाम दे देंगे, जब भी वो आपको बजट बनाने को कहेंगे ना तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है, जो बजट बनाने को बोला है मतलब वही निकालना है। अभी सपोज देखना, मैंने आपसे कहा चलो ग्रॉस प्रॉफिट बजट बनाओ, अब आप सोच रहे पता नहीं कैसे बनता होगा, अरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताना है बस, और कौन सी डेटा से जो क्वेश्चन में गिवन हुआ उससे। तो ऐसे कोई भी बजट बनाने को बोले, सपोज उन्होंने बेजिस बजट बनाने को बोला, तो क्या करेंगे भाई, कितने यूनिट बनाने हैं उसके हिसाब से कितने आवर्स लगेंगे, मजदूरी का रेट क्या है, वेजेस का रेट क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वेजेस निकल जाएगा, तो
तो जो बजट बनाना है सही मायने में उसी का कैलकुलेशन करके आपको बताना है बस। तो आप कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटी है, मैं सब कराते जाऊंगा। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप खुद से करें उसे। हालांकि अब जितने भी बजट के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले देख लेना जो मैं बताऊंगा उससे। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल अप होगा। अभी तक जो फ्लेक्सिबल बजट चल रहे थे वो थोड़े से आसान थे, कोई खास बात उनमें नहीं थी। ठीक है, तो चलो अपन इसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना।